कोरोना का संक्रमण बिहार में तेजी से फैलता जा रहा है। इस बीच नेपाल में भारत के खिलाफ कोरोना फैलाने की साजिश का खुलासा होने के बाद बिहार सरकार अलर्ट हो गई है। आपको पता है कि हम लगातार खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से नेपाल का जालिम मुखिया, जिसका बिहार से बहुत पुराना नाता है, यानी वो तस्कर है, जाली नोट का तस्करी करता है, कारोबार करता है, हथियार का बड़ा तस्कर है, वो नेपाल के जरिए भारत में, बिहार में हथियारों का खेप पहुंचाता है, जाली नोट की खेप पहुंचाता है। अब उसने भारत के साथ दुश्मनी साधने की रणनीति तैयार कर ली है, उसने बहुत बड़ी साजिश की है। SSB के पत्र से खुलासा हुआ है कि जालिम मुखिया नेपाल में फंसे बिहारियों को, वैसे बिहारियों को जो कोरोना से संक्रमित हैं, उनको बिहार में घुसाने की फिराक में है। और जब ये बात सामने आई है तो सरकार अलर्ट हो गई है, वहाँ के DM अलर्ट हो गए हैं और अब नेपाल बिहार के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। आपको पता है कि कोरोना के संक्रमण से अभी तक मोतिहारी जिला बिल्कुल सुरक्षित है, वहाँ पर अब तक महामारी नहीं फैली है। लेकिन इस बीच जो SSB का इनपुट आया है, SSB ने वहाँ के DM को जो पत्र लिखा है वो काफ़ी चिंता बढ़ाने वाली है। उस DM को लिखे गए पत्र में SSB ने खुलासा किया है कि जाली मुखिया बिहार में बड़े पैमाने पर कोरोना का संक्रमण फैलाने की तैयारी कर रहा है, साजिश रच रहा है। जब ये खबर चली तब सामने आया जाली मुखिया, और जाली मुखिया ने किस तरह से सफाई दी, जरा सुनिए। एक तस्कर जो हथियारों की खेप भारत में नेपाल से पहुंचाता है, एक खतरनाक अपराधी जो जाली नोट का कारोबार करता है, पाकिस्तान के जरिए नेपाल में आने वाले जाली भारतीय करेंसी को भारत के बाजार में पहुंचाता है, वो अब सफाई दे रहा है और भारत के साथ रोटी बेटी का रिश्ता होने का दुहाई दे रहा है। मित्रता के संबंध बा, हमने के बेटी रोटी के भी संबंध बा, ऐसा जाली मियां साजिश करे के का कारण? चाइना में ए वायरस फैल तो जाली मियां फैल होले, अमेरिका में वायरस बा, इटली में वायरस बा, फ्रांस में वायरस बा, एशिया अफ्रीका सारा देश में ही बा, जाली में मियां फैल होले बड़े। ऐसे एतही के कुछ राजनीतिक व्यक्ति बा कि चाह रहल बा कि हमनी के भारत नेपाल में ऐसा संकट काल में अपन हम गोईठी से की राजनीतिक चरित्र हत्या करी, हम एगो स्थानीय सरकार बानी, हम यहाँ के मेयर बानी, ऐसा साजिश अपनाई है हम 200-200 वोल्टियर रख के प्रशासन के बॉर्डर पर तंदेह कह के इंडिया से कोऑर्डिनेशन बना के होते हैं SSB से, ये सारा चीज हम रुकवा रहल बानी। आ ये हमनी के साजिश जो कर रहल बा ओकरा के पता लगा के गवर्नमेंट में भी हम लिख दल बनी, गृह मंत्रालय में भी हम अपन मैंने स्पेस कर देनी, हम सरकार के प्रमुख लगे भी कर देनी, हम CDO से कोऑर्डिनेशन कर लेनी, हम अपना कथिना SSB से कोऑर्डिनेशन कर लेनी कि ऐसा चलित हत्या करे वाला ये तथ्य के पकड़ के एक पर कार्रवाई हो, ये हमारा दावा बा और कहीं हमारा समलंगता बा। तो आपने सुन लिया जालिम सिंह कैसे सफाई दे रहा है, जालिम मियां की सफाई पर भला कौन भरोसा करेगा, ये तो पहले से ही अपराधी है, पहले से ही भारत विरोधी षड्यंत्र में शामिल रहा है, और अब जब सफाई दे रहा है तो उसे लगता है कि भारत सरकार थोड़ा सा निश्चिंत हो जाएगी। लेकिन बिहार सरकार, भारत सरकार निश्चिंत होने वाली नहीं है। बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, SSB के जवान तो तैनात थे ही, बिहार पुलिस के जवानों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है, और वहाँ के जो DM है मोतिहारी के, उन्होंने साफ कहा है कि लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में, ऐसे में जो भी लोग नेपाल में फंसे हैं बिहारी, उनको अभी भारत में या बिहार में आने की इजाज़त नहीं है, नेपाल में ही वह उनको रख करके क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है। और भारत सरकार तो जहाँ भी बिहारी और भारतीय फंसे हैं वहाँ पर राहत खुद पहुँचा रही है, या वहाँ की सरकार से आग्रह कर रही है कि आप राहत पहुँचाइए, जो मदद चाहिए हम देने को तैयार हैं। तो नेपाल में हजारों बिहारी फंसे हुए हैं, बिहार नेपाल का बॉर्डर ऐसा है कि वहाँ पर रोक टोक करना भी बड़ा मुश्किल है, खुला बॉर्डर है, कहीं से कोई कहीं भी घुस सकता है। लेकिन इस बीच जिस तरह से जालिम मियाँ के साजिश का खुलासा हुआ है कि वो बिहार में घुसाना चाहता है कोरोना से संक्रमित मरीजों को, और यहाँ पर महामारी का रूप देना चाहता है, तो चिंता तो बढ़ गई है, स्वाभाविक है। तो अब बॉर्डर
को सील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, खुफिया पुलिस के अधिकारी और जवान तैनात किए गए हैं। अब नेपाल के किसी बॉर्डर के हिस्से से बिहार के किसी हिस्से में घुसना आसान काम नहीं होगा। अगर कोई घुसा तो पकड़ा जाएगा, चाहे वो बिहारी हो या नेपाली हो, क्योंकि लॉकडाउन है भारत में, फिर नेपाल से कैसे कोई बिहार में उत्तर प्रदेश में आ सकता है। तो जालिम की साजिश को ध्यान में रखते हुए नेपाल बिहार की बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़ा दी गई है। डीएम मोतिहारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। सूचना यह है कि किसी भी तरीके का इन्फिल्ट्रेशन जो है लॉकडाउन जब भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा निर्गत किया गया है उसके निर्देश तो अपेक्षित नहीं है। इस संदर्भ में कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया जो है बिगंज में बैठते हैं उनसे भी वार्ता हुई है। दोनों कमांडेंट्स हमारे एसएसबी के जो रक्सौल और ढाका के उनसे भी बात हुई है कि कोई भी इन्फिल्ट्रेट यहाँ पर नहीं करे। अब जो लॉकडाउन का ये आदेश है ये सभी के लिए है, वो भारतीय नागरिक भारत में है, बिहार में है या वो नेपाल में है, किसी भी नागरिक जो है यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो ये बॉर्डर टोटली सील करने का आदेश जो है संबंधित कमांडेंट्स को दिया गया है। साथ ही में एसडीओ और एसडीपीओ रक्सौल और सिकराना ढाका को भी निर्देश दिया गया है कि वो भी जो है इस तरह की कोई इन्फिल्ट्रेशन जो है यहाँ पे नहीं आए, ताकि जो है कोरोना पीड़ित लोग जो है यहाँ पे हमारे यहाँ ये एपिसोड की जो है पुनरावृत्ति नहीं है। तो ये जाली मिया करके है जो तस्कर है उसी ने 40-50 लोगों को घुसाने की किराए में लिया है। इस संदर्भ में जो है हम वार्ता कर रहे हैं एसएसबी कमांडेंट जो रक्सौल में है, तो इसकी गुप्ती सूचना उनके पास आने के उपरांत ही जो है हम आपको इस संदर्भ में बता पाएंगे। कोई लेटर भी आया है क्या सर एसएसबी की तरफ से? एसएसबी की तरफ से जो लेटर आया था हमको कि गृह विभाग से भी कि बॉर्डर्स को सील करना है और कोई भी इन्फिल्ट्रेट नहीं करे, किसी भी समुदाय का हो सकता है, वो किसी भी नेशनलिटी का होगा, बॉर्डर टोटली सील रहेंगी। जिनको प्रॉपर अनुमति मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्हीं को जो है हम कंसिडर करेंगे। तो इतना खतरनाक जालिम है, जालिम मियाँ है, बड़ा ही जालिम है जालिम मियाँ, और भारत के साथ रोटी बेटी का रिश्ता की दुहाई देकर भारत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। तो जालिम मियाँ पर तो भारत और बिहार की सरकार को भरोसा है नहीं, आपको भी भरोसा नहीं होना चाहिए। और केवल बिहार पुलिस और एसएसबी के जवान के हवाले या उनके ऊपर ही छोड़ देना सब कुछ ठीक भी नहीं है। तो आप बॉर्डर के इलाके में रहते हैं तो आप भी अलर्ट हो जाइए, आप भी सावधान हो जाइए कि उस पार से इस पार कोई नहीं आ पाए, इस पार से उस पार कोई ना जा पाए, क्योंकि ये संकट की घड़ी है। और ऐसे में आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम देश की रक्षा करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है, ताकि लोग जानें, सावधान हो जाएं कि जालिम मियाँ कितना जालिम है और मौका मिलते ही बिहार में कितना बड़ा जुल्म फैला सकता है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिएगा। धन्यवाद।